भगवान धन्वंतरी आपको, आपके पूरे परिवार, इस मित्र और सगे संबंधियों के साथ स्वस्थ रखें। धनतेरस के अवसर पर आप चौतरफा तरक्की करें, आगे बढ़ें, नित नई ऊंचाइयों को छुएं, धन धान्य से परिपूर्ण हो। बिहार टेलीविजन नेटवर्क और दस रिसर्च सेटेलाइट सर्विसेज परिवार और GTPL सर्विसेज परिवार धनतेरस के मौके पर ऐसी शुभकामना करता है, आपको शुभकामना देता है। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। मासूम बच्चों को मंदिर के पुजारियों ने दे दी तालिबानी सजा, पोल से घंटों हाथ पैर बांधकर पीटा। चिल्लर पैसे और चप्पल चुराने के मामूली आरोप में भगवान के रूप बच्चों को भगवान के मंदिर में ही दे डाली सजा। दीपों की रोशनी के बीच बही भक्ति की गंगा, जगमग दीपावली महोत्सव का हुआ आयोजन। और धनतेरस पर चौतरफा सजा है बाजार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी। और समाचार अब विस्तार से। खबरों में बात सबसे पहले करेंगे उन दो नाबालिग बच्चों की, जिन्हें महावीर मंदिर लहेरिया सराय के पुजारियों ने पोल से बांधकर जबरन पीटा। मानवता की सारी हदें पार कर दी, क्रूरता की हदें पार कर दी। दो बच्चों को चप्पल और चिल्लर पैसे चुराने के आरोप में लहेरिया सराय महावीर मंदिर के पुजारियों ने पकड़ा और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। तालिबानी सजा कह सकते हैं इसे, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि किसी को क्या इसका अधिकार है। फिलहाल जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस पर संज्ञान लिया है, पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है, मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही जा रही है। इन दो बच्चों का कसूर बस इतना है कि इन्हें चिल्लर पैसे और चप्पल चुराने के आरोप में मंदिर के पुजारियों ने पकड़ रखा है। लहेरिया सराय में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारियों की यह करतूत शर्मसार करने वाली है, मानवता को, नैतिकता को और न जाने किस किस को। कुछ दिनों से मंदिर परिसर से चप्पलें चोरी हो रही थीं, चिल्लर पैसे भी गायब हो रहे थे। नतीजतन चाक चौकस पुजारियों ने इन दो बच्चों को धरा। कहा यह जा रहा है कि ये बच्चे पैसे और चप्पल चुरा रहे थे, रंगे हाथ धर लिए गए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बच्चों ने जो कुछ किया वह उनकी नासमझी हो सकती है, लेकिन बच्चों के साथ मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों ने जो कुछ किया वे पूरी समझदारी से ऐसा कर रहे थे। सवाल बड़ा यह है कि क्या उनको ऐसा करने का हक है? बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के ही मंदिर में बच्चों को पोल से इस कदर रस्से से बांधकर इस तरह की तालिबानी सजा, आखिर किसको है इसका अधिकार? किसी ने ऐसा किया तो क्या उसे कितनी सजा मिल पाएगी? फिलहाल इस मामले पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। बच्चों को DM के आदेश पर ही मुक्त कराया गया है वहां से। पुलिस ने पहुंचकर बच्चों को वहां से छुड़ाया है। बच्चों से बयान ले रही है पुलिस। बच्चों के रुदन क्रंदन की रिपोर्टिंग हो रही है और बच्चों के साथ की गई इस हरकत के जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। बिहार TV नेटवर्क दरभंगा के लिए सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। दीपावली महोत्सव का आयोजन श्याम मंदिर जितुगाछी में हुआ। दीपावली का वक्त करीब है और दीपावली महोत्सव का हुआ आयोजन। जगमगाती रोशनी के बीच भक्तों की स्वर लहरियों के मध्य भक्ति रस की गंगा बही। जगमग दीपावली महोत्सव के आयोजन में श्याम मंदिर जितुगाछी में। संतोष झा, BTN न्यूज।
सजा है बाजार। धनतेरस के दिन पूजा के बर्तन, सोने चांदी और हीरे के जवाहरात, जेवर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की परंपरा रही। और धनतेरस पर सजा है बाजार। धनतेरस के दिन पूजा के बर्तन, भगवान की मूर्तियां, सोने चांदी और हीरे के जेवर जेवरात खरीदने की पुरानी परंपरा रही है। और धनतेरस की तैयारियों में बाजार कई दिनों से लगा हुआ था और आखिरकार सज धज कर बाजार तैयार है ग्राहकों के लिए धनतेरस की खरीदारी को लेकर। धनवंतरी जयंती धनतेरस के दिन 17 अक्टूबर को बाजार में पूरी तरह से तैयारी कर ली है बाजार ने। ग्राहकों के स्वागत के लिए दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। और बाजार में ऑफरों की भी लगातार भरमार है। धनतेरस पर मिर्जापुर में अवस्थित जीजे ज्वेलर्स में गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर 30% की छूट, डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग पर 10% और सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग पर 50% तक की छूट का ऐलान किया गया है। प्रोप्राइटर आकाश आनंद ने बताया कि यह ऑफर 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के लिए मान्य है। साथ ही मिर्जापुर में पूनम सिनेमा रोड में गौतम होटल के निकट अवस्थित राज इलेक्ट्रॉनिक्स भी सज धज कर तैयार है ग्राहकों के स्वागत के लिए। यहां भी स्क्रैच कार्ड, लकी कूपन और कई ऑफरों की बरसात रखी गई है ग्राहकों के लिए। धनतेरस के मौके पर दीपावली तक यह ऑफर यहां भी लागू रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यह ऑफर रखे गए। हर खरीद पर ग्राहकों को बम्पर उपहार और लकी कूपन की पेशकश की गई है और बजाज फिनसर्व की ओर से 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। शोरूम से लेकर फुटपाथी दुकानों तक सज धज कर है तैयार धनतेरस से लेकर दीपावली की तैयारियों में।
सजावट के सामान, बिजली के झालर, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दिया, पटाखे, सब कुछ है बाजार में। सरफराज आलम के साथ संतोष झा, बीटी। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने चेयरमैन विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में इनर व्हील क्लब के सदस्य मौजूद। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने एक बार फिर लिया सेवा का संकल्प। संतोष झा, बीटीएन। इनर व्हील क्लब की ओर से मिर्जापुर श्यामा माध्यमिक विद्यालय में 115 बच्चों के बीच जूते वितरित किए गए, पानी की टंकी स्थापित की गई, जल स्टेशन का उद्घाटन हुआ, आरओ मशीन लगाई गई और पुस्तकालय के लिए किताबें दी गई, बच्चों के बीच बिस्कुट और टॉफियां बांटी गई। इनर व्हील क्लब की ओर से मिर्जापुर श्यामा माध्यमिक विद्यालय में 115 बच्चों के बीच सामान बांटे गए, कई सुविधाएं भी शुरू की गई। संतोष झा, पंडासराय हाउसिंग कॉलोनी में वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार ट्रिपल लोड को जब पुलिस पकड़ने की कोशिश करने लगी तो वो भाग निकला। कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी गिर गई और पीछा कर रही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रंजीत नाम का युवक इसमें धरा गया। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार चौकस रहने की कोशिश कर रही पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर तीन युवक सवार दिखे। पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो वे भाग निकले, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया, वे गिर गए। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उन्हें आखिरकार धर दबोचा। एक लड़का पकड़ा गया है। ये कावड़ का छेनी देसी कट है। जी वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में उसी सूचना पर बहादुरपुर थाना पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान थाना अध्यक्ष के द्वारा तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया, जो मोटरसाइकिल लेकर भागे और खदेड़ करके इनको पकड़ा गया, जिसमें से दो व्यक्ति भागने में सफल रहे, एक व्यक्ति पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास कट्टा और चार कारतूस और छेनी इत्यादि कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। जब इससे पूछताछ की गई और सत्यापन किया गया तो ये रंजीत कुमार सिंह ये बछवारा बेगूसराय जिला का रहने वाला है। इसके पास से जो गाड़ी बरामद हुई थी वो दलसिंह सराय से 29-8 को चोरी की गई गाड़ी बरामद हुई। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं देने और विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में लालू यादव को निमंत्रण नहीं देने के विरोध में छात्र राजद ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। चरण छात्र राजद ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका चौरंगी के समीप। छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया।
नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार की सरकार पूर्ण तानाशाही को उतर गई है। रेलवे में पिछले 3 वर्षों में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आजकल करके छात्रों का एज एक्सपायर हो गया, कई छात्र का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। और पटना विश्वविद्यालय का एक बड़ा मांग जो था केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना, उसको भी जुमला साबित कर दिया है, उसके भी ठगने का काम किया और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। मनीष यादव विश्वविद्यालय अध्यक्ष, सही नाम मिथिला विश्वविद्यालय छात्र। सरफराज आलम भाकपा माले के पिर्री लोकल कमेटी का 7वां सम्मेलन आयोजित। भाकपा माले के पिर्री लोकल कमेटी के 7वें सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हक हुकूक की बात उठाने पर जोर दिया गया। संतोष झा, BTN न्यूज। रोटरी क्लब की ओर से हेकॉक इंस्टीट्यूट, ML एकेडमी स्कूल और आदर्श मध्य विद्यालय में बच्चों के साथ वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया गया। वर्ल्ड हैंड वॉश डे का आयोजन किया गया रोटरी क्लब की ओर से हेकॉक इंस्टीट्यूट, ML एकेडमी स्कूल और आदर्श मध्य विद्यालय में। सतेंद्र कुमार, BTN। शीशो पश्चिम के माधोपुर गांव में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प। शीशो पश्चिमी के माधोपुर गांव में सोमवार को स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें सुरेश झा, अमर झा, अशोक सरपंच साहब एवं कई गणमान्य लोगों ने श्रमदान किया। हर महीने के अंतिम रविवार को स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। शमसे आलम मुखिया, शीशो पश्चिमी पंचायत, भी आगे रहे इसमें। संतोष झा, जर्मन का बुलडोजर चला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बेवरेज में, काफी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। और लहरिया सराय के पंडा सराय हाउसिंग कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सतेंद्र कुमार, BTN न्यूज। जी सर, 46 मकान है, 46 मकान है, 75 खाली कराना है। 75 खाली कराना, अभी 46 है। हाँ, 75 मकान में 46 जो तत्काल आदेश है, 46 खाली करवाना है। इसमें उसका सक्षम व्यवहार, उसका सक्षम जो न्यायालय है ना आवास बोर्ड का, उसी तरह से आदेश है। पहले भी आदेश निकला था कि 4-5-6 बार नोटिस हुआ है, लेकिन ये लोग इसीलिए फोर्स के बल से खाली कराया जा रहा है। आज 46 खाली करवाया जा रहा है, टोटल हमारा 75 मकान है और आगे बढ़ भी सकता है। ये अवैध कब्जा था? अवैध कब्जा है। कितने दिनों से? ये लगभग तीन चार साल से। सभी का अवैध मुक्त हो जाएगा आज? कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश में लगे हुए हैं। क्या सुनना हुआ? प्रणाम मोहम्मद तुफैल अंसारी हुआ, कार्यपालक अभियंता, आवास बोर्ड। हाँ, आवास बोर्ड। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने छात्रों की समस्याएं सुनी मिथिला विश्वविद्यालय के धरने। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी। तो यहाँ समस्या लेके कहाँ गया सर? चैलेंज किए हुए थे एक बार, तो फिर चैलेंज में बस 1.5 साल हो गए, कुछ नहीं अभी तक हुआ है सर। क्या कारण है, क्यों विलंब? कारण यही है सर, जो चैलेंज करते जा रहे कुछ बोलते नहीं है, बोल रहे हैं जी इसमें जाने की, कॉर्डिनेटर से मिलने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए, जाने स्टाफ से मिलने के, सब बोलते रहते हैं। 2 साल हो गया, मेरा 3 पेपर में 0 नंबर दिया गया है। और 2 साल से हम कई बार आए, जब भी आते हैं यूनिवर्सिटी, कभी एग्जामिनेशन कंट्रोल में जाइए तो कभी डिस्टेंस से ऊपर जाइए, नीचे जाइए, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। स्टूडेंट एक एक महीना से दोहराया जाता है, किन्हीं का रिजल्ट पेंडिंग में है, किन्हीं का क्या बोलते हैं चैलेंज कर दिया, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, बहुत तरह का समस्या है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी बार बार यहाँ दोहराता है, महीना से दोहराता है। आज जो 2 मिनट का काम है उसको वो 2 महीना लगाता है, बिना किस कुछ किए यहाँ ऐसे ही चल रहा है, कोई इसका देखने लिखने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से इसमें लगे हुए हैं, जितना छात्र हो सके उनका समाधान देंगे और करेंगे। किस तरह का समाधान कैसे करते हैं आप लोग? छात्र का किसी तरह का समाधान, जैसे किसी का रिजल्ट पेंडिंग में है, किसी का मतलब कि एग्जाम दे चुका है उनका रिजल्ट। सरफराज आलम। मेडिशाइन नई दवा दुकान का उद्घाटन किया दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने। इस अवसर पर प्रोप्राइटर इंजीनियर जे अहमद, उप महापौर बदरुजमान बॉबी खान, इश्तियाक अहमद खान, RE खान, जदयू नगर सचिव नजरुल खान समेत कई लोग उपस्थित हुए। मेडिशाइन दवा की नई दुकान का भव्य उद्घाटन हुआ महापौर वैजयंती देवी खेड़िया के हाथों।
इस अवसर पर मेडिसाइन के प्रोप्राइटर इंजीनियर जिया अहमद ने कहा कि सही और गुणवत्तापूर्ण दवा लोगों तक पहुंचाना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। इस अवसर पर कई अतिथि भी मौजूद हुए। आइए अंदर। गांधी भाई इधर आ जाओ सर, साथ में ले खान साहब हुए मेडिसिन शॉप के लिए कहेंगे, दवाई एक इंसान के लिए जैसे भगवान विभूति होती है इसी तरह दवाई होती है। दवाई अगर अच्छी दी जाए किसी पेशेंट को तो उसका इलाज अच्छा हो जाता है। भगवान के बाद डॉक्टर का नाम आता है, उसके बाद दवाई का नाम आता है। इलाज अच्छा होता है, दवाई अच्छी होती है, इसका ध्यान दिया जाए कि रिएक्शन डेट होते ही दवाई को फेंक दिया जाए। भगवान से यही चाहते हैं कि दवाई की दुकान की अच्छी चलती रहे और इस दवाई से लोगों का जिंदगी का जो मरने वाली भी होती है उसकी भी जिंदगी भगवान ने जिरा देती है। ये कोरामिन के तरह काम करता है, एक पॉइजन भी काम करता है, पॉइजन नहीं बने एक आदमी के जीवनदाता बने, ये हमारी अभिलाषा है। का एम है कि यह सब लोगों को अच्छे से सप्लाई कर सके मेडिसिन रिटेलर को। जनरली ये होलसेल है, अभी ये स्टार्टअप है तो स्टार्टअप को गवर्नमेंट बढ़ावा भी दे रही है, तो एज ए इंजीनियर मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ और आगे ये सोच के चल रहा हूँ कि इसको अच्छे से मार्केट में सप्लाई करूँ, सही चीज़ सही रेट सब सही के सभी चीज़ों के साथ दूँ सब लोगों को, ताकि ये अच्छे से मार्केट का पैटर्न जो गड़बड़ चल रहा है वो ऑन ट्रैक पे रहे, सब कुछ सही से हो, सब प्रॉपर बिलिंग सब कुछ सही से होना चाहिए ताकि कस्टमर के साथ साथ सब लोगों को फ़ायदा हो और प्रॉपर चैनल। नहीं चाहेंगे कि जनता को इस दुकान से अच्छी दवा मिले, अच्छी सेवा हो और इनकी दुकान रात चौबीस डेवलप करें। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। समाचार भी डालेंगे इससे पूर्व, एक बार फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है खास। मासूम बच्चों को मंदिर के पुजारियों ने दे दी तालिबानी सजा, पोल से घंटों हाथ पैर बांधकर पीटा, चिल्लर पैसे और चप्पल चुराने के मामूली आरोप में भगवान के रूप बच्चों को भगवान के मंदिर में ही दे डाली सजा। दीपों की रोशनी के बीच बही भक्ति की गंगा, जगमग दीपावली महोत्सव का हुआ आयोजन और धनतेरस पर चौतरफा सजा है बाजार। अभी तक की खबरें इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए BTN न्यूज। धनतेरस की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।